नमस्कार फ्रेंड्स, आज एलीट आईएएस एकेडमी में मॉक सेशन संपन्न हुआ और यह मॉक सेशन पिछले 3 मई से चल रहा था। आज वह संपन्न हुआ और मुझे काफी खुशी हुई इस बात को सुनकर के कि जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा में सफलता अर्जित की और उन लोगों का इंटरव्यू के लिए कॉलिंग आया और वह मेरे यहाँ मॉक सेशन में उन्होंने भाग लिया और भाग लेने के बाद में उन लोगों से जब हमारी पैनल के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए और कुछ एक वैसा ही प्रश्न आयोग के द्वारा पूछा गया, ये बात मुझे तब पता चला जब स्टूडेंट्स ने आकर के मुझे इस बात की जानकारी दी कि आपके यहाँ जो हमने मॉक किया वैसे ही कुछ एक प्रश्न आयोग में पूछे गए सम्मानित पैनलिस्ट के द्वारा। तो मुझे भी काफी खुशी हुई और ये ऑर्गेनाइजेशन में जो सम्मानित पैनलिस्ट थे मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स रहे इस ऑर्गेनाइजेशन के तथा अन्य स्टूडेंट जो बाहर से आए उन लोगों को भी अच्छा लगा, क्योंकि मैंने प्रत्येक कैंडिडेट को 35 से 40 मिनट हमने समय दिया और मैं अपने यहाँ 10 कैंडिडेट से ज्यादा हमने एक दिन में मॉक नहीं लेता था। मैं एक दिन में 10 मॉक ही मैंने शेड्यूल तैयार करा था कि ओनली फॉर 10 स्टूडेंट्स का मॉक होगा एक दिन में और इस बात का काफी मुझे खुशी है कि सब आयोग में स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स यहाँ से मॉक करने के बाद जब अपना जाते हैं आयोग में इंटरव्यू देने के लिए तो ऐसे सवाल जब कुछ पूछे गए तो हूबहू सवाल कहीं ना कहीं मिलता जुलता दिखाई दिया। जैसे मैं अगर अपना प्रश्न बता दूं जो हमने किया था, मैंने अक्सर कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स थे जिनसे मैंने सवाल किया था सेलेक्शन और रिक्रूटमेंट में दोनों में अंतर क्या है, फ्रीबीज क्या है, आखिर अभी पंचायत चुनाव चल रहा है और आपकी नियुक्ति एज ए वीडियो होता है किसी जगह पे, तो वीडियो की क्या प्राथमिकता होगी इस चुनाव के संदर्भ में। हेमंत सोरेन से हमने कुछ एक सवाल किए कि हेमंत सोरेन झारखंड के जो अभी रिसेंट में मुख्यमंत्री हैं, ये कब चुनाव हारे, कहां से हारे, ऐसे कुछ हमने प्रश्न किए और ऐसा ही प्रश्न आयोग में माननीय सम्मानित मेंबर हैं उन लोगों के द्वारा ऐसा ही कुछ एक सवाल पूछे गए। मैंने सो मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने जब किया और स्टूडेंट्स ने मॉक दिया और वैसे ही सवाल जब पूछे गए तो मुझे अंदर से इतनी ज्यादा खुशी हुई कि मैंने जो सवाल किया और उसे स्टूडेंट ने रिप्लाई दिया और जहां पे रिप्लाई में कुछ कमियां थी उसे मैंने रेक्टिफाई करने का प्रयास किया। अभी रिसेंट में कोलजियम सिस्टम से प्रश्न पूछे गए क्योंकि भारत के सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने की प्रणाली जो कोलजियम व्यवस्था है उससे कुछ एक प्रश्न आयोग में बैठे व्यक्ति के द्वारा पूछे गए। तो मेरे यहाँ इंटरव्यू लेने का एक जो प्रोसेस था, प्रोसेस के बाद में सब स्टूडेंट मेरे यहाँ मॉक देते थे तो मैं उन लोगों को एक फीडबैक के माध्यम से इस प्रकार से मैं देने का प्रयास करता था। आप जैसे आप देख पा रहे होंगे फीडबैक फॉर्म है ये, ऑब्जेक्टिविटी और रिमार्क्स। ऑब्जेक्टिविटी में आप देखें कि स्टूडेंट किस प्रकार से मेरे यहाँ जब मॉक के लिए आए तो उनका एंट्री किस प्रकार से होता है मॉक के लिए। नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज उनका क्या है। नंबर 3, हैंड का मूवमेंट। नंबर 4, बैठने का पोस्चर। नंबर 5, जो हमने प्रश्न किया उनका फ्लो ऑफ वर्ड्स क्या रहा।
नंबर सिक्स उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, नंबर सेवन उनका ड्रेस सेंस क्या है, क्लॉथिंग क्या है, नंबर एट उनका प्रेजेंटेशन, और आप नाइन नंबर में देखें तो हम लोग उसका नॉलेज देखते हैं, और टेन नंबर की अगर हम बात करें तो आई कांटेक्ट देख पाते हैं, और ग्यारह नंबर में अगर हम देखें तो क्विक रिस्पांस, और ट्वेल्थ नंबर में अगर हम देखें तो एग्जिट। इन सारे फीडबैक के माध्यम से मेरे यहां जितने भी एस्पिरेंट्स ने मॉक दिया, आज उन लोग काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उनके सेलेक्शन मुझे लगता है कि तय है, लेकिन अभी कुछ मैं कह नहीं सकता हूं जब तक कुछ फाइनल रिजल्ट ना आ जाए। तो मैं फाइनल रिजल्ट के संदर्भ में यह भी बता दूं कि जेपीएससी सातवीं से दसवीं अब इसमें हम बात करें कि इंटरव्यू का सेशन कल से जेपीएससी में समाप्त हो रहा है, कल अंतिम है, कल इंटरव्यू का आखिरी दिन है 16/5/2022। इंटरव्यू के बाद में जो बातें सामने निकल करके आ रही है वो 22 से लेकर के 25 मई के बीच में रिजल्ट प्रकाशित करने का बात सामने निकल करके आ रहा है। हो सकता है इन बिटवीन 25 से पहले या 22 के बाद हो, या फिर 25 के बाद भी हो सकता है, लेकिन प्रयास पूरा है आयोग का, मेरे ख्याल से लगता है कि ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए और ये 22 से 25 के बीच में आपका फाइनल रिजल्ट देखने को जेपीएससी का मिलेगा। उसके बाद में 11वीं जेपीएससी का भी द्वार बहुत जल्द खुल रहा है, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत पहले आना था 11th जेपीएससी का, लेकिन ऐसा रोड़ा अटका करके कुछ एक ऐसे विभागों ने रखा है जिन लोगों ने वैकेंसियां नहीं दी है और बार बार वैकेंसी मांगा जा रहा है। कुछ एक विभागों से मुझे जो जानकारी मिली है, कुछ एक सूत्रों के माध्यम से, वे जानकारी में यह है कि वैकेंसी कुछ एक डिपार्टमेंट ने दिया है लेकिन सभी डिपार्टमेंटों ने नहीं दिया है। तो मुझे आशा है कि मई के अंतिम तक भी अगर पूरा डिपार्टमेंट के द्वारा अगर वैकेंसी पूरा दे दी जाती है, जो रिक्तियां हैं अगर पूरा दे दी जाती है, तो उम्मीद है कि जून में 100% पॉसिबिलिटी है कि जेपीएससी 11वां का हो जाएगा। तो एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने सातवीं से दसवीं जेपीएससी में साक्षात्कार में अभी जिन्होंने भाग लिया है, उनके अनुकूल अगर रिजल्ट फाइनल आता है तो वे आगे अपना अन्य पदों में चयनित हो जाएंगे, अन्यथा जिनकी सिलेक्शन किन्हीं कारणों बस ना हो पाया तो वो घबराएंगे नहीं, क्योंकि आप अगर इस स्थान इस जगह तक पहुंच गए मॉक तक, तो मुझे लगता है कि आप उस गेट तक पहुंच गए जहां थोड़ी सी और आपको पुशअप की जरूरत थी, तो घबराएंगे नहीं। तो मैं फाइनली बात कर रहा था 22 से 25 मई के आसपास में जेपीएससी का फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। हाँ, मैं एक आवश्यक सूचना दे दूं आपको कि मेरे यहां जो क्लासेस 11th जेपीएससी का स्टार्ट हो रहा है, कि एक वैकेंसी आने से पहले आपको पूर्ण रूप से तैयार होना होगा। अगर आप पहले से अगर तैयार नहीं रहते हैं और वैकेंसी आने का इंतजार करते हैं, तो यही कारण है कि प्रारंभिक परीक्षा में स्टूडेंट मार खा जाते हैं। फ्रेंड्स,
मैं आपको बता दूं 11वीं जेपीएससी का मेरे यहां 19th of May 2022 से प्रारंभिक परीक्षा का बैच शुभारंभ हो रहा है पीटी का। देखिए फ्रेंड्स, प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ में आपको लेखन प्रक्रिया को भी जारी रखना होगा। मैं शुरू से कहते आ रहा हूं और मेरे जो पढ़ाने का जो शैली होगा, प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो आपकी तो क्लासेस होगी, लेकिन आपको मुख्य परीक्षा के लिए भी तैयार किया जाएगा, ताकि आप अभी से अगर लिखने का अगर हैबिट अगर आपका रहे तो मुझे लगता है प्रारंभिक परीक्षा में आपका अगर रिजल्ट आता है तो आप मुख्य परीक्षा में तो बेहतर आप कर पाएंगे। तो मुझे आशा है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप सभी विद्यार्थियों से, सभी एस्पिरेंट से मैं यही उम्मीद रखता हूं कि आप मेरे यहां 11th जेपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा का एक दो आप डेमो क्लासेस देखें कि किस प्रकार से आपकी क्लासेस होगी, और आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि हां, यहां से मेरा सपना साकार हो सकता है। अन्यथा अगर आपको ऐसा अंदर से महसूस हो कि यहां से मेरा सपना साकार नहीं हो सकता है, तो सो मेनी ऑप्शंस यू हैव, यू कैन मूव एनीवेयर एल्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आपको 11वीं जेपीएससी को लेकर के दो दिनों का आप डेमो क्लास ले सकते हैं। मैं डेमो जनरली इसलिए शब्द का प्रयोग किया हूं, देखिए डेमो से कुछ होता जाता है नहीं, आपको यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनकी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं। इसलिए हमने दो क्लासेस डेमो के रूप में रखा है कि ताकि वे स्टूडेंट्स को बातें समझ में आनी चाहिए कि जो क्लास ले रहे हैं शिक्षक उनकी बात कितना समझ में आ रहा है। इसीलिए हमने दो दिनों का एज ए डेमो रखा है। तो एस्पिरेंट्स जितने भी 11th जेपीएससी के लिए आना चाहते हैं, आप सभी का वेलकम है। आप आए और आप दो क्लासेस आप करके देखें, अगर आपको लगता है कि मेरी यहां से सपना एक साकार हो सकता है। फ्रेंड्स, आज मैं यहीं पे इन बात को समाप्त करता हूं, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।